तो हम यहाँ पे एकदम क्विक इजी एंड डिलीशियस वाला माइक्रोनी पिज़्ज़ा बना रहे हैं जो बहुत ही डिलीशियस लगेगा और फटाफट से बन जाएगा तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पहले एक बाउल ले लिया है और बाउल के अंदर मैं ऐड कर दूँगी चार से पाँच टेबल स्पून पिज़्ज़ा सॉस आप जितने पिज़्ज़ा बना रहे हो उस हिसाब से पिज़्ज़ा सॉस लें मैं यहाँ पर चार पिज़्ज़ा बना रही हूँ तो मैंने उस हिसाब से लिया है और चार टेबल स्पून हम मेयोनीज भी ऐड कर देंगे दोनों की क्वान्टिटी आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो लेकिन मेयोनीज विल टेस्ट गुड और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टोमेटो सॉस आप चाहो तो यहाँ पे शेजवान सॉस भी ऐड कर सकते हो अगर आपको एकदम स्पाइसी पसंद है तो तो मैंने ये टोमेटो कैचअप ऐड किया है इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बॉयल्ड मैक्रोनी आप यहाँ पे कोई भी पास्ता यूज़ कर सकते हो मैंने यहाँ पे ये पाइपिंग वाले पास्ता लिए हुए हैं जो मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रखे थे तो मैं इसके अंदर वो भी ऐड कर रही हूँ और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ये ना एकदम फटाफट से बन जाएगा क्योंकि सारी रेडीमेड अवेलेबल जो चीज़ें होती है वही यूज़ करके हम इसे बना रहे हैं तो ये मैक्रोनी तो रेडी हो चुका है अब हम ले लेंगे पिज़्ज़ा बेस ये रेडीमेड जो थीन वाला पिज़्ज़ा बेस आता है वही मैंने लिया हुआ है यहाँ पर आप चाहो तो थीक वाला भी ले सकते हो ले थीन वाला विल गो गुड विद द चीज़ बस पिज्ज़ा तो अब हम इसके ऊपर बटर स्प्रेड कर रहे हैं बटर स्प्रेड कर दिया है और अब मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी चीज़ बहुत सारा मोजरेला चीज़ मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ और प्रोसेस चीज़ भी मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी आप चाहो तो चीज़ स्लाइसिस भी ले सकते हो या तो फिर कोई और चीज़ भी यूज़ कर सकते हो लेकिन मेरे पास यहाँ पर यही दो चीज़ अवेलेबल है तो मैं वो ऐड कर रही हूँ अब इसके ऊपर थोड़े से मैनज़ भी ऐड कर देते हैं और अब हम यहाँ पे मेरे पास एक लेफ़्ट चपाती है सुबह को बच गई थी तो उसको भी मैं इसके ऊपर रख देती हूँ ये देखिए अच्छे से मैंने इसको प्रेस करके सेट कर लिया है अब उसके ऊपर हम और चीज़ ऐड करेंगे ये जो हमने पास्ता रेडी किया था वो भी हम इसके ऊपर ऐड कर देते हैं अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं उसको इक्वली ताकि हम हमें हर बाइट में इसका अच्छा सा टेस्ट आए तो ये मैक्रोनी को भी मैंने स्प्रेड कर दिया हुआ है थोड़े से वेजीज ऐड कर देते हैं यहाँ पे मैं येलो वाले बेल पेपर्स यूज कर रही हूँ और रेड वाले भी मेरे पास अवेलेबल है तो वो भी मैं इसके ऊपर रख देती हूँ अब कैप्सिकम भी है मेरे पास ग्रीन वाला वो तो इजीली तो सब जगह पे अवेलेबल होता है तो वो आप ऐड कर लो ये सब चीज़ें ऐड करना ज़रूरी नहीं है जो भी अवेलेबल है वही आप ऐड करो फिर मैंने अनियन भी ऐड कर दिए हैं कॉन ऐड कर दिया है थोड़ा सा मेरे पास जितने भी वेजेज़ अवेलेबल है मैं वो सारे ऐड कर रही हूँ यहाँ पे सारे तरीके के ब्लैक बेल पेपर ऑनियन कॉर्न सब कुछ ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी और चीज़ ऐड कर देते हैं हम ऊपर से मोजरेला चीज़ ऐड की है मैंने यहाँ पे अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी प्रोसेस चीज़ भी ऐड कर देती हूँ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो ये तो ऐड करना बनता ही है तो ये सारी चीज़ें को मैंने ऐड कर दिया है अब हम क्या करेंगे थोड़े से मेरे पास ऑलिव्स भी है तो वो भी मैं इसके ऊपर रख देती हूँ अच्छा सा लुक आएगा अगर आपके पास चेरी टोमेटो है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो मतलब वेजिज़ आप कोई भी चाहो तो ऐड कर सकते हो मतलब सारे वेजेस बहुत अच्छे लगेंगे इसके साथ जो मतलब कैप्सिकम मैक्सिकम जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ऐड कर सकते हो तो ये मैंने सब कुछ ऐड कर दिया है आई थिंक हमारा पिज़्ज़ा रेडी है थोड़े से चेरी टोमेटो भी मैं ऐड कर दूँगी बाद में अब इसके ऊपर हम थोड़ा सीजनिंग ऐड करेंगे तो यहाँ पे मैं जो पिज़्ज़ा सीजनिंग है वही यूज़ कर रही हूँ तो वो फटाफट से स्प्रिंकल कर देते हैं आप चाहो तो इटालियन सीजनिंग भी यूज़ कर सकते हो जो पास्ता मसाला आता है वो भी आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हो आ, तो ये थोड़ा सा और मानीज़ हम इसके ऊपर ऐड कर देते हैं तो ये डिलीशियस पिज़्ज़ा अब रेडी है बेक होने के लिए तो इसे हम पाँच मिनट के लिए बेक करेंगे मैंने यहाँ पर हाई टेम्परेचर रखा है इसलिए मैं पाँच मिनट के लिए ही बेक करूंगी तो ये देखिए हमारा डिलीशियस सा चीजी सा पिज्जा बन के रेडी है तो मैक्रोनी चीज बस पिज्ज़ा बहुत ही डिलीशियस लगेगा ये देखिए एकदम चीजी सा बना हुआ है ये इसे हम फटाफट से कट करके सर्व कर देंगे बन गया है ना एकदम हमारा फटाफट वाला इटालियन चीज़ बस एकदम डिलीशियस दिख रहा है और खाने में भी बहुत ही बढ़िया लगेगा फटाफट से कट करके इसे टेस्ट कर लेती हूँ तो ये देखिए हमारा चीज़ी सा मैक्रोनी पिज्जा बन के रेडी है तो आप भी फटाफट इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका ये पिज्जा कैसा बना है तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए